और पछेती दोनों खेती ऐसी हो सकती हैं। कुछ किसान भाइयों के मन में ऐसा चल रहा होगा, ऐसा उनको डाउट हो रहा होगा, ऐसे उनको मालूम हो रहा होगा कि हमें सबसे कम पूंजी लगा करके, सबसे कम रकम लगा करके अपनी खेती में और अच्छे लाभ ले सकते हैं, तो वो कौन सी फसल हो सकती है। तो किसान भाइयों बने रहिए हमारे मौर्य चैनल पर। हम उत्तम मौर्य अपने मौर्य चैनल में सभी किसान भाइयों को ये ज़रूर जानकारी देना चाहूँगा कि सबसे कम पूंजी में यदि हमारे छोटे किसान के वर्ग हैं, छोटे वर्ग वाले किसान हैं, तो वो कौन सी खेती करें जिससे उनके कम लागत में अच्छी रकम मिले। तो किसान साथियों मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो खेती आप कम लागत में करना चाहते हैं तो सबसे ही अच्छी खेती और सबसे बेहतरीन खेती होती है, जिससे आपको 40 से 30 दिन के अंदर अंदर बहुत ही अच्छी रकम मिल सकती है। तो बने रहिए हमारे चैनल पर। जो हमारे नए किसान हमसे जुड़ना चाहते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक भी कर लें, ताकि हर एक नोटिफिकेशन तक पहुँचती रहे, उनको मिलती रहे और वो अपनी खेती में सरलता से आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए किसान साथियों मैं आप लोगों को ये ज़रूर बताना चाहूँगा, खेती करने से पहले उनको कौन सी जानकारी ले लेना चाहिए, तब अपनी खेती में लगन के साथ लगना चाहिए। तो चलिए किसान साथियों मैं आपको आज दिखाना चाहूँगा कि वो मेरी खेती है, बहुत ही सिंपल खेती है, वो है धनिया की खेती। किसान साथियों इसको हर एक टाइम में लगाया जाता है, हर एक टाइम में इसका डिमांड होता है, इसका डिमांड हर एक मसाले के रूप में लिया जाता है, या सब्ज़ी हो या कोई मसाला हो, चटनी हो, हर एक टाइम में इसको लिया जाता है और इसको खाने में लोग बहुत ही लोकप्रिय समझते हैं। और इससे खेती को सबसे अहम मैं बता दूं किसान साथियों कि आपको लागत कितनी लगती है इसमें और कितने खर्चे बैठते हैं, तो देख सकते हैं किसान भाइयों मैं अपनी खेती आप लोगों को दिखा रहा हूं कि किस तरह धनिया की खेती की जाती है। प्लाटिंग वाइज ये खेती लगभग एक प्लाट की बात कर लूँ कि कितनी लागत लगती है एक प्लाट में और इसमें कितना खर्च आता है। तो किसान भाइयों ये प्लाट आप देख सकते हैं, खेती यह है सिंपल धनिया की खेती। किसान भाइयों इसमें कोई ज़्यादा विशेष लागत नहीं लगती है, एक बार आपको लगा देना होगा, इसके बाद आप इसको आसानी से दो बार आप इसकी हार्वेस्टिंग कटाई कर सकते हैं। तो किसान साथियों आप देख सकते हैं कि मेरी धनिया है, कितनी लाजवाब धनिया है। किसान भाइयों ये आप देख सकते हैं, इसका डिमांड हमेशा बरकरार बाज़ारों में, मंडियों में बराबर बने रहते हैं। किसान साथियों आप धनिया की खेती सरलता से करना चाहते हैं, इसमें ज़्यादा लागत की ज़रूरत नहीं होती, अगर आप एक बार लगा देते हैं और आपको 30 से 40 दिन के ही अंदर अंदर रकम खड़ी हो सकती है। किसान भाइयों आपको यदि अच्छी से अच्छी कमाई करना है तो सिंपल तरीका है, आप धनिया की खेती कीजिए। किसान साथियों ये आप देख सकते हैं ये धनिया की प्लाट है, ये एक प्लाट लगभग 5 बीघे के किसान भाइयों, यह प्लाट आप देख सकते हैं, ये धनिया का पूरा प्लाट 5 बीघा है। किसान भाइयों ये अगेती और पछेती दोनों के लिए सबसे सरल है। किसान भाइयों यदि आप एक छोटे किसान हमारे जो हैं, छोटे वर्ग के किसान हैं, यदि 1 बीघा लगा रहे हैं तो उनको 30 से 40 हज़ार कम से कम की बात कर रहा हूं तो आसानी से मिल जाएगा, और मंडी और बाज़ार का जो उनका रेट है बहुत ही गजब है। किसान भाई यदि आप ये खेती सरलता से करना चाहते हैं, कम पूँजी वाले किसान करना चाहते हैं, तो ये खेती ज़रूर कीजिएगा। किसान भाइयों मैं आपको और बताना चाहूँगा कि यदि आपको ऐसी खेती और भी करना है तो ये आती है भाजी, साग वर्गीय फसल में जितनी भी आती हैं वो को आपको आसानी से लगाना है। किसान भाइयों यदि आप लगाना चाहते हैं तो इस समय की जो बात कर लिया जाए कि मौसम की बात कर लिया जाए, तो इस समय हर एक किसान आसानी से खेती कर सकता है। आपको पालक लगा देना है, सोया लगा देना है, धनिया लगा देना है, इस तरह तरह की जैसे साग वर्गीय फसल हो गई, किसान भाई इन सब्जियों को आपको लगाना सबसे ही सरल होता है और सबसे अच्छी कमाई हमारे इन खेतियों से निकल सकती है। तो किसान भाइयों आपको इस तरह खेती करना है तो सबसे कम लागत लगती है। किसान भाइयों ये खेत आपको तब तैयार करना है, किस तरह तैयार करना है, तो इसको लगभग की बात कर लिया जाए, इसकी अच्छी सी जुताई होना चाहिए, इसमें देसी खाद की मात्रा कम होनी चाहिए, इसमें DAP की मात्रा थोड़ा ज़्यादा होनी चाहिए और इसमें सुपर फास्फेट की मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए, और इसमें एक जिंक आती है किसान साथियों आप सागरिका के नाम से आती है, जो आपके खेती में हर एक प्रकार की जो मिट्टियों में पोषक तत्व देती हैं तो आपको वो ज़रूर डालना होगा। ये आप देख सकते हैं ये जो मिट्टियाँ हैं कितनी काली हैं, इन सब चीज़ों का इसमें मात्रा दिया गया है और हमारी खेती में कोई मिट्टियों में हमारी कोई चीज़ की कमी नहीं है। इस तरह इस धनिया को देख सकते हैं किसान भाइयों, कितनी खुशहाल धनिया मेरी लगी है। तो आपको इस तरह लगाना है किसान साथियों, एक बार आप लगा दोगे आपको लगभग 1 बीघे में
30 से 35 हज़ार 40 हज़ार आसानी से दे करके जा सकती हैं, और इसमें कोई ज़्यादा लागत भी नहीं लगनी है। किसान भाइयों आप इस तरह खेती कीजिएगा। हर एक किसान भाइयों को सुझाव इसलिए दे रहा हूँ कि हमारे किसान भाई बड़ी से बड़ी खेती में लग जाते हैं और उनका मेहनत नाजायज चला जाता है, उनकी जो रकम लगती है वो भी वापस नहीं लौट के आती है। तो किसान साथियों आप ऐसा ना करें, आप एक बार ज़रूर ये वीडियो देख करके तभी अपने खेती में लगन से लग जाएं और एक बार आप अपनी लागत लगा दें और आपको बार बार कमाई ही कमाई दे करके जा सकती है। तो अगली वीडियो पाने के लिए धन्यवाद।